Thank you.
Thank you.
Senti? आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन से ही हम आत्माओं में परिवर्तन होना है। आत्मा चिंतन करे स्वयं से वार्तालाप करे हे आत्मा, इस हीरे तुल्य अमूल्य जीवन में अपने अविनाशी परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति पहचान, उनके श्रीमत पर चलकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाना है। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। अपनी शक्तियों को बढ़ाना है। ब्रह्मा बाप समान विश्व कल्याण के निमित्त बनना है। पवित्रता के बिना भारत स्वर्ग नहीं बन सकता। परमात्मा की श्रेष्ठ मत है हम तीव्र पुरुषार्थी राजयोगी राजऋषि बच्चों प्रति कि मीठे बच्चे, तुम्हें घर गृहस्थ में रहते पवित्र जीवन जीना है। लौकिक और अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है। तुम्हें घर गृहस्थ का संन्यास नहीं करना है। परमात्मा पिता से संबंध जोड़कर स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान बनाना है। तुम
असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्माएं हो। स्वयं भगवान तुम्हारे साथ है। परमपिता की निरंतर याद हमें सर्वशक्ति संपन्न बना रही है। सहन शक्ति हमें सहनशाह बना रही है। समाने की शक्ति हमें धैर्यवान बना रही है। शांति की शक्ति हमें विश्व कल्याणकारी और विश्व परिवर्तक बना रही है। परमात्मा से प्राप्त दिव्य शक्तियां हमारा यादगार चरित्र निर्माण कर रही है। मैं और मेरापन मिटाना ही स्वयं को बंधन मुक्त बनाना है। तन मन धन सब प्रभु अर्पण कर मैं आत्मा साक्षी दृष्टा बन गई हूं। एक बाबा दूसरा न कोई यही मेरी निरंतर तपस्या है। मनसा सेवा ही अंत समय की सर्वश्रेष्ठ सेवा है जिससे शक्तिशाली आत्माएं प्रत्यक्ष होगी। मेरा ये जीवन बड़ा अमूल्य है। दुर्लभ है। इस ईश्वरीय जीवन से
मुझे कभी तंग नहीं होना है। कभी भी शरीर छोड़ने का विचार न आए। समय कम है, अतः इस समय का सदुपयोग करना है। देह और देह के संबंधियों को भूल अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए एक बाबा की स्मृति में रहना है। और अपने घर परमधाम चलने की तैयारी करनी है। परमात्मा के महावाक्य अनुसार अब समाप्ति हुई की हुई। समाप्ति अर्थात हमारे विकारों की, विकर्मों की समाप्ति का अंत समय है। आसुरी संप्रदाय की समाप्ति और दैवी संप्रदाय का शुभारंभ होने वाला है। दैवी शुद्ध सात्विक जीवन की पुनरावृत्ति का मंगलकारी समय आने वाला है। तथा आसुरी अशुद्ध तामसिक जीवन का अंत होने वाला है। सृष्टि रंगमंच पर चल रहे इस नाटक का अब अंत आ गया है। अंत समय की इन अमूल्य घड़ियों को मुझे व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो भी होगा अचानक ही होगा। निरंतर योग, ज्वाला स्वरूप योग ही मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाएगा। विशेष शक्तिशाली स्नेहमय अवस्था में मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से डिटैच हूं। अपने सूक्ष्म फरिश्ते चोले के साथ उड़ चलती हूं अपने निज घर
परम शांति की अवस्था में अपने प्यारे मीठे सूक्ष्म वतन में बाप दादा की स्नेहमयी दृष्टि में समाते, स्नेहयुक्त पालना लेते, मन के लगन में मगन हो, परमात्मा प्यार में समाए, अपने हाथों से भोग की गिट्टी तैयार कर बाप दादा को स्वीकार कराते हैं। भोग स्वीकार कराकर उन्हें जल अर्पण कराकर अब अपना फरिश्ता चोला यहीं छोड़ अनादि आत्मिक स्वरूप में उड़ चलते हैं परम धाम में, शांति धाम में। कुछ समय डीप साइलेंस में इसी बीज रूप अवस्था में ज्वालामुखी योग अग्नि द्वारा अपने पांच विकर्मों को इस योग अग्नि में जलकर भस्म होता अनुभव कर रहे हैं। डीप साइलेंस ज्वालामुखी योग। स्वयं को संपन्न और अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण अनुभव करते मैं आत्मा
शांति धाम से नीचे लौट आती हूं सूक्ष्म वतन में। प्यारे मीठे बाप दादा के हाथों में हाथ लिए सूक्ष्म वतन से नीचे आ जाती हूं साकारी रथ में, साकारी दुनिया में। अपने हाथ में जल ले ले चार्जिंग करने के लिए। अनुभव करे बाप दादा मेरे बिल्कुल सम्मुख है और उनकी अनंत शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप किरणें इस जल में प्रवाहित हो रही है जिससे ये जल श्रेष्ठ सकारात्मक ऊर्जा के प्रकंपनों से पूर्णतः चार्ज हो रहा है। एक एक एटम शक्तिशाली बनता जा रहा है। परिवार में सभी तन से स्वस्थ, मन से खुशहाल हो रहे हैं। हर कार्य में कम मेहनत में ही कई गुना अधिक सफलता प्राप्त होती जा रही है। परमात्मा स्मृति में रहकर कार्य करने से विघ्न प्रूफ हो सहज ही सभी कार्य सहजता से हो रहे हैं। ये जल परमात्म शक्तियों से पूर्णतः चार्ज हो चुका है। इसे घर के कॉमन वेसल में प्रवाहित कर दें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। शांति।